शादी में चली गई बिजली और बदल गए पति। जी हाँ, शादी में पति पत्नी बदलने के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना सामने आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। क्योंकि यहाँ पर बिजली जाने की वजह से दो दुल्हनों के दूल्हे आपस में बदल गए। दरअसल उज्जैन के असलाना गांव में रमेश लाल की 3 बेटी और 1 बेटे की शादी होनी थी। उनकी 2 बेटियों के फेरे एक साथ होने थे, लेकिन फेरों के पहले ही लाइट चली गई और फेरे से पहले होने वाली एक पूजा के दौरान दोनों दुल्हनों ने अलग अलग दूल्हों का हाथ पकड़कर ये पूजा की। लेकिन रात करीब 12:30 बजे जब लाइट आई तो दोनों दुल्हन और उनके घर वाले दंग रह गए, क्योंकि दोनों जोड़े आपस में बदल गए थे। हालांकि बाद में इस गलती को सुधार लिया गया और सुबह 5 बजे तय रिश्ते के हिसाब से दोनों जोड़ों की शादी करवाई गई। तो ये हुआ था कि लाइट चली गई, अंधेरे में ये घर में पूजन पाठ होता है, वहाँ गलती से इधर उधर बैठ गई, दोनों एक्सचेंज हो गई लड़ी। फिर वहाँ से बाहर निकाला, बाहर निकालने इतने लाइट आ गई, फिर फेरे वेरे करवाने थे तो यहाँ देखा तो कि यार ये पूजा पाठ करके बाहर निकली तो लाड़ी इधर की उधर हो गई, तो फेरे में वापस इधर से इधर हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। जिनके साथ जिनके साथ तय की गई थी उन्हीं के साथ फेरे वेरे हुए, वो तो घर में जो माता पूजन होता है उसमें गलती से इधर उधर हो गया। इसके अलावा गांव के लोगों ने बताया कि यहां आए दिन बिजली गुल हो जाती है और बिजली की कटौती कई घंटों तक बनी रहती है। बता दें पूरे देश पर इस वक्त बिजली संकट गहराया हुआ है, जिसकी वजह से राज्यों में घंटों तक बिजली की कटौती हो रही है और बिजली की कमी से लोगों का बुरा हाल है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज तक।